नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर अलावादी और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी माइंड में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं 3 BHK फ्लैट की वीडियो, जिसमें 3 वॉशरूम है। उसका टोटल एरिया जो है कार्पेट एरिया की हम बात करें तो 1300 स्क्वायर फीट है। सेक्टर 13 में ये सोसाइटी हमारी लाई करती है। ग्राउंड फ्लोर का ये फ्लैट है और फिक्स्ड पार्किंग के साथ है। एंड इसके अलावा अगर हम विसिनिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो साथ ही में यहाँ पे DDA मार्केट है सेक्टर 13 की, जो बहुत ही फेमस है। एंड इसके साथ ही हमारा जो मेट्रो स्टेशन है, रोहिणी ईस्ट ले या रोहिणी वेस्ट ले, वो इक्विडिस्टेंट है और यहाँ से मात्र 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी साइट विजिट। बट साइट विजिट शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट आपके तो काम आए आए ये वीडियो, आपके दोस्तों के भी काम आए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी साइट विजिट। तो ये है हमारी मेन एंट्रेंस दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है ये फ्लैट। तो सबसे पहले ये हमारा आ गया लिविंग एरिया दोस्तों। और लिविंग एरिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसमें आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे इसकी फॉल सीलिंग। और फॉल सीलिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही क्यूट सी फॉल सीलिंग है, सोफिस्टिकेटेड है। एंड राइट हैंड साइड पे है हमारा पूरा LCD पैनल है, जो कि बहुत ही मैग्निफिसेंट लग रहा है एंड इस पूरे लिविंग एरिया की शोभा को बढ़ा रहा है। नीचे हमने इसके ड्रॉज दिए हैं, सो दैट कोई भी आपका सामान होता है आप इजीली इसमें रख सकते हैं। और आप ये अगर देखेंगे तो अंदर ड्रॉज के अंदर भी सारा का सारा सनमाइका यूज किया गया है फैब्रिक वाला। ये पूरा का पूरा हमारा फ्रेंड्स एक लिविंग एरिया है। एंड इसके साथ ही हमारी बालकनी कनेक्टेड है, जो कि एज अ वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है धूप आनी स्टार्ट हो गई है, तो आप समझ सकते हैं इतनी ही शानदार बालकनी की लोकेशन है ये। अब हम आपको दिखाएंगे इसका फर्स्ट बेडरूम, जिसके साथ हमारा वॉशरूम अटैच है। ये सारे की सारी फ्रेंड्स नीचे टाइल फ्लोरिंग है हमारी। एंड अगर आप ऊपर देखते हैं इसकी फॉल सीलिंग को, तो कोई भी मतलब ये नहीं लगेगा आपको कि बहुत ज्यादा बड़ी है या कुछ है, बहुत ही सिंपल सी फॉल सीलिंग है। एंड इसके साथ ही हमारा वॉशरूम भी कनेक्टेड है। तो अगर आप वॉशरूम का साइज देखते हैं तो बहुत ही शानदार वॉशरूम का साइज है। एंड कलर कॉम्बिनेशन अगर आप इसका देखेंगे फ्रेंड्स, तो ब्लैक और ग्रे का है पूरे वॉशरूम का। तो अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो हमने तैयार होने के लिए ड्रेसिंग एरिया भी दिया है, जिसके सामने एक मिरर भी है, सो दैट कोई भी लेडीज अगर रेडी होना चाहे तो आराम से रेडी हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पूरी की पूरी अलमीराज है, फ्लोरिंग से लेके ऊपर सीलिंग तक। अब आपको अंदर से भी खोल के दिखाते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखिए। और सारी की सारी अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये कोलर के सारे बॉक्सेस पड़े हैं, तो जितने भी फिटिंग्स हैं यहाँ पे सारी की सारी कोलर की लगी है। अंदर भी इसमें पूरा फैब्रिक यूज किया गया है फ्रेंड्स अलमीरा में। एंड अगर आप वेंटिलेशन की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड पे पूरी वेंटिलेशन भी है। तो आप समझ सकते हैं इस बेडरूम का साइज जो है फ्रेंड्स, वो है हमारा 11 बाय 12.5 का। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था। अब हम आपको दिखाएंगे इसकी किचन फ्रेंड्स। किचन देखते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी दोस्तों। तो आप देखिए किचन, पूरे किचन में जो है सारा का सारा जो है कॉम्बिनेशन जो दिया गया है वो ग्रे और व्हाइट का दिया गया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ही खूबसूरत लग रही है हमारी ये किचन। इसके साथ हमने जो फॉल सीलिंग दी है, सीलिंग पे भी हमने ग्रे एंड व्हाइट लाइट दी है, सो दैट कॉम्बिनेशन जो है वो सेम रहे। एंड अब हम आपको इसका दिखाएंगे ड्रॉर्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी की सारी मॉड्यूलर है विद सॉफ्ट क्लोज। एंड अगर आप इसका ये देखते हैं फ्रेंड्स हमारे, तो आप पूरे का पूरा लिफ्ट अप है। तो आप ये देखिए, ये चिमनी एरिया हो गया हमारा। और अब हम आपको दिखाएंगे इसका कैबिनेट एरिया, जहां पे आप और भी अपनी स्टोरेज इजीली कर सकती हैं। और ये जो हो गया हमारा, ये है हमारा फ्रिज का स्पेस। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेस है ये भी, जो हमने लिया गया है डबल डोर की फ्रिज के हिसाब से। और ये जो हो गया आपका फ्रेंड्स, एक आपका हो गया डाइनिंग एरिया। तो आप समझ सकते हैं कितना ही स्पेसिफिक डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, पूरी जगह निकली हुई है डाइनिंग एरिया की। एंड ये अगर आप देखते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, तो पूरी की पूरी एक ये टाइलिंग है, जो कि स्पेसिफिकली टेलर मेड टाइल्स है ये फ्रेंड्स। एंड ये सारी की सारी इम्पोर्ट होती है। इतनी बड़ी टाइल्स आपने बहुत ही मुश्किल से कहीं देखी होगी। तो आप समझ सकते हैं कितना ही शानदार काम किया है एंड पूरी की पूरी ग्लॉसी फिनिश में है ये। अब आपको दिखाएंगे हम इसका
कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम आप देख के तबीयत खुश हो जाएगी आपकी दोस्तों, बिकॉज इसके जो कॉमन वॉशरूम है उसमें ब्राउन एंड डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन है पूरा। एंड हिंदवेयर के इसमें आपका सारा का सारा सैनिटरी वेयर लगा है। एंड अब हम आपको दिखाएंगे एक इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम इसका जो साइज है दोस्तों वो है हमारा 12x15 का, तो आप देख सकते हैं कितना ही शानदार बेडरूम है ये। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो पूरी अलमीराज है, पूरी ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन में। तो आपको खोल के दिखाना चाहेंगे फ्रेंड्स, ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन हमने अंदर भी दिया है एंड फ्लोरिंग भी आपकी ग्रे एंड व्हाइट है। तो उस हिसाब से जो है पूरी थीम बेस्ड प्लानिंग करके इस फ्लैट को बनाया गया है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखते हैं तो लाइटिश टोन में हमारा एक ही क्रीम कलर का है एंड ग्रे कलर है, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं पूरी थीम को ध्यान रख के ये सारी चीजें करी गई हैं। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखते हैं दोस्तों तो पूरी की पूरी एक ड्रेसिंग एरिया तैयार किया गया है लेडीज के पर्पज से। एंड देख सकते हैं आप कितना ही शानदार एरिया है ये। इसके साथ साथ एक ये वाला डोर भी आता है हमारा, जो कि हमारा सोसाइटी की बैक एंट्री है। आपको ये भी खोल के दिखाना चाहेंगे सेफ्टी पर्पज से, हमने यहाँ पे भी आपको एसएस का डोर दिया है पूरा। एंड ये सोसाइटी की बैक साइड होगी जहां पे दूसरे फ्लैट भी है। वेंटिलेशन के लिए हमारी पूरी विंडो हो गई है दोस्तों। एंड अब हम आपको दिखाएंगे इसके साथ हमारा थर्ड बेडरूम जिसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। इस बेडरूम का जो साइज है फ्रेंड्स वो है हमारा 11.5x12। अब फॉल सीलिंग अगर आप इसकी देखते हैं तो बहुत ही यूनिक है, हमने जितने भी आज तक वीडियोस बनाई है उसमें ऐसी फॉल सीलिंग हमने कहीं नहीं देखी है फ्रेंड्स। एंड अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो डार्क ब्राउन एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में एक एलसीडी पैनल दिया है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ब्राउन एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ही हमने अलमीराज दी है विद रोज गोल्ड हैंडल्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आप ये देखते हैं खिड़की वाला एरिया भी देखते हैं हमारा विंडो वाला, तो यहाँ वेंटिलेशन तो यही है, इसके नीचे भी हमने स्टोरेज की स्पेस दे दी है सो दैट यहाँ पे अगर कोई स्टडी एरिया बनाना चाहे बच्चों का तो स्टडी एरिया भी बन सकता है। एंड इसके साथ अगर आप अपना वॉशरूम देखेंगे तो ग्रे एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का है एंड बहुत ही क्यूट वॉशरूम है ये फ्रेंड्स, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको भी। इसका साइज जो है फ्रेंड्स वो हमारा 5x6.5 का है, बहुत ही अच्छा है। और इसके यहाँ पे भी हमने ड्रेसिंग के पर्पस से तैयार होने के पर्पस से एक ड्रेसिंग एरिया छोटा सा दिया है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स ये 1300 स्क्वायर फीट एरिया कितना ही लैविशली बनाया गया है। एंड अगर आप इसकी चौखट देखते हैं फ्रेंड्स तो 10 इंची की तो हमारी चौखट है दोस्तों इसकी, तो आप समझ सकते हैं कितनी ही शानदार चौखटें लगाई गई है एंड विद पीयू फिनिशिंग, पीयू पॉलिश करी गई है फ्रेंड इसमें। एंड अब हम आते हैं इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसका जो प्राइस है दोस्तों दिल थाम के बैठी है, इसका जो प्राइस है वो है 2,70,00,000 रुपए। हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 2,70,00,000 रुपए की इसकी कीमत है। एंड ये फ्री होल्ड फ्लैट है, आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की साइट विजिट फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखना चाहते हैं पर्सनली या अपने किसी फ्रेंड के साथ इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें और कहें विमोर जी हमें इसकी साइट विजिट करनी है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू दोस्तों। एंड सेम बजट में आपको और भी चीजें दिखाऊंगा मैं सो दैट आपको एक चॉइस मिल सके, बिकॉज एक बार डिसीजन लेना होता है दोस्तों घर के लिए एंड अगर वो डिसीजन ही आपका गलत हो तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए हम ये चीज नहीं चाहते कि आप कोई जल्दबाजी करें, तो आप आइए और हमसे चीजें देखिए, पसंद आए तो लीजिए वरना कोई बात नहीं, दोस्ती तो मेंटेन रखेंगे ही। थैंक यू सो मच, ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, और काइंडली लाइक इट शेयर इट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को और हमारी दूसरी वीडियोस को भी। थैंक यू सो मच।